इंडिया की पहली आम जनता की वंदे भारत एक्सप्रेस। आगे की साइड आपको मिल जाएंगे जनरल कोच देखने को। देवियों सज्जनों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग भाई आपके लिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव होने वाला है। आज का ब्लॉग होने वाला है इंडिया फर्स्ट वंदे साधारण एक्सप्रेस से रिलेटेड। अभी कुछ देर पहले मुझे लेटेस्ट अपडेट मिली है कि जो हमारी आम आदमी की वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, यानी कि हमारी वंदे साधारण एक्सप्रेस, वो भाई यहीं से ट्रायल रन पर है, यहीं से निकलने वाली है। अगर उस ट्रेन का हॉल्ट मिलता है तो उसको आपको जर्नी राइड भी दिखाई जाएगी और इंटीरियर वगैरह कैसा है सब कुछ बिल्कुल फुल डिटेल दी जाएगी। बस ये होप करिए कि ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट मिल जाए। इससे रिलेटेड आपने काफ़ी वीडियोस वगैरह तो यूट्यूब पर देख लिए होंगे, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव आने वाला है। तो भाई अगर मेहनत पसंद आ रही हो ना, तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ अनस भाई भी हैं। तो एक्साइटेड भाई, बहुत ही ज़्यादा। और इंतजार की घड़ियाँ होती हैं अब जाकर भाई फाइनली ख़त्म। आपके लिए एक्सक्लूसिव इंडिया की फर्स्ट अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसको पहले वंदे साधारण नाम दिया गया था, लेकिन बाद में भाई पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम चेंज करके रख दिया अमृत भारत एक्सप्रेस। और फाइनली WAP-5 के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अराइव कर रही है इंडिया की पहली आम जनता की वंदे भारत एक्सप्रेस। और हमारे साथ अनस भाई भी है, इनसे भी इनका भी फीडबैक लेंगे। पहले ट्रेन देखिए भाई, क्या बात है यार, खासकर कलर कॉम्बिनेशन, इसका क्या रूट है, क्या टाइमिंग है, सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आगे की साइड आपको मिल जाएंगे जनरल कोच देखने को, लगभग 4 से 5 जनरल कोचेस हैं आगे सेकंड सीटिंग के। ये देख लीजिए, 2023 में मैन्युफैक्चरिंग हुई है इस ट्रेन की। ऑटोमेटिक डोर है, कोशिश करेंगे कि अंदर से जाकर भी आपको थोड़ा बहुत इंटीरियर वगैरह दिखाया जाए, क्योंकि इस ट्रेन को लेकर जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट और हाइप थी हमारे अंदर भाई, जैसे ही पता चला कि बरेली से ट्रेन निकल रही है, बैग उठाया सीधे चलाया स्टेशन पे और भागते भागते आया हूँ, थोड़ी सांस भी फूल रही है। अगर आपको भाई मेहनत पसंद आ रही हो ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए जितने आपके जानने वाले उन सबके बीच। सबसे पहले ट्रेन देखिए यार, ये है भाई बदलते भारत की बदलती रेल। दिल खुश हो गया भाई इसे देख के, क्या कहना चाहोगे? इसके आपके लिए इनॉग्रल एक्सक्लूसिव इनॉग्रल जर्नी भी आपके लिए चैनल पे जरूर आएगी, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। पहले आप इस ट्रेन को देखिए भाई अराइव करती हुई, क्या बात है भाई, ये देख लीजिए। इस ट्रेन के अगर फेयर की बात की जाए तो नॉर्मल जो हमारी सुपर फास्ट स्लीपर ट्रेन है उनके फेयर से 15% ज़्यादा रहेगा इस ट्रेन का फेयर, लेकिन इसको जो प्रायोरिटी है भाई राजधानी और वंदे भारत एक्सप्रेस के बराबर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अराइव्ड हो रही है और मे भी कहीं ना कहीं ये मारने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 3 को स्किप, धीरे धीरे स्किप मार रही है, क्योंकि अभी ये ट्रेन अपने ट्रायल रन में है। आज ये पहुंचेगी दिल्ली और इसका जो इनॉग्रल रन है वो होने वाला है 30 जनवरी को, जिसको अयोध्या से हमारे देश के PM श्री नरेंद्र मोदी जी और रिस्पेक्टेड CM श्री योगी आदित्यनाथ जी फ्लैग ऑफ करके रवाना करेंगे टूवर्ड्स दरभंगा से सीतामढ़ी की तरफ। और धीरे धीरे ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर, बाय बाय, तो अंकल जी ऑन बोर्ड हैं लेकिन आ रहे हैं। तो धीरे धीरे ट्रेन निकल रही है भाई बरेली जंक्शन से। आई होप अगर ये रुकेगी तो एक्सक्लूसिव इसकी जर्नी भी आपको दिखाई जाएगी। तो जी धीरे धीरे ट्रेन ने बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से स्किप मारा है, पुष्पुर लोकोमोटिव के साथ चलेगी। WAP-5 एक आगे और WAP-5 एक पीछे इसमें लगा हुआ है। आई होप आगे जाके इस ट्रेन को यार्ड के आसपास पक्का हॉल्ट दिया जाएगा। अगर हॉल्ट दिया जाता है तो कोशिश करेंगे कि अंदर से भी आपको इस ट्रेन का इंटीरियर से लेकर हर चीज़ आपके दिखाई जाए। फाइनली डिपार्ट हुई है बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। तो धीरे धीरे ट्रेन यहां से निकल चुकी है। लग रहा है यार डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी, अगर रुकती तो पक्का इसकी आपको राइड जरूर दिखाई जाती। एनीवेज कोई बात नहीं। तो भाई हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल लास्ट में बरेली जंक्शन के। हमें ये होप था कि ट्रेन शायद आगे जाके रुकेगी, लेकिन ट्रेन नहीं रोकी, ट्रेन काफ़ी धीमी रफ्तार में इसने स्किप मारा है बरेली जंक्शन को। बाकी दूर से ही भाई चमक आ रही है, ऑरेंज कलर जो है ना, भगवा कलर भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो कैसे लगा आपको ये छोटा सा एक अपडेट ब्लॉग था, स्पेशली भाई इस ट्रेन को दिखाने के लिए आपको आया था भाग दौड़ करके स्टेशन तक। उम्मीद तो ये थी कि शायद इसको हॉल्ट दिया जाएगा तो हम बोर्ड होकर आपको जर्नी ज़रूर दिखाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टाइम मौका तो हमें नहीं मिला। कोई नहीं, आगे इनॉग्रल या कमर्शियल में आपको इसका ज़रूर दिखाएंगे। तो फाइनली इस ट्रेन का अब इससे तो ये है भाई, रूट जो है ना वो बिल्कुल फाइनल हो चुका है कि ये ट्रेन
जो अपना आनंद विहार तक जाएगी वो जाएगी लखनऊ के बाया शाहजहाँपुर हरदोई बरेली मुरादाबाद होते हुए। ट्रेन देखिए भाई अभी तक बिल्कुल नज़र आ रही है, दूर से ही पता चल जाएगा कि वंदे साधारण आ रही है। बाकी इधर ट्विंस लोकोमोटिव लुधियाना साइड का WDG 3A आई थिंक वही होगा शायद, बताइएगा कौन सा लोकोमोटिव। ट्रेन देखिए भाई अभी भी जाते हुए दिख रही है। तो जी फाइनली ट्रेन हमारी निकल चुकी है, कैसा लगा आपको ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग वंदे साधारण एक्सप्रेस से रिलेटेड। बस थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकी, अगर रुकती तो भाई जर्नी राइड आपको जरूर दिखाई जाती। बाकी चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई जर्नी में एक नए सफर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। और आपसे बात करते करते आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर इंडियाज डेली लॉन्गेस्ट रनिंग एक्सप्रेस ट्रेन अवध असम एक्सप्रेस। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ नई जर्नी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।